विश्व महिला दिवस पर महिलाओं ने किया कार्यक्रम का आगाज। आज 8 मार्च को पूरे देश में विश्व महिला दिवस के रूप में महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में आज मुंगेली जिले के लोरमी में महिला बाल विकास के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्र भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं जन प्रतिनिधि भारी संख्या में उपस्थित हुए। कार्यक्रम का शुभारम्भ माँ सरस्वती चित्र में दीप प्रज्वलित करते हुए आरम्भ किया गया, जहां स्कूली बच्चों के साथ महिलाओं ने भी नुक्कड़ के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने की प्रयास किए हैं। जहां मुंगेली जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थी, जहां सभा को संबोधित करते हुए नारी शक्ति के संबंध, नारी अधिकार एवं शासन के द्वारा विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए कई योजना संचालित किए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय दिवस है तो आज सबसे पहले तो मैं महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूं। और आज हमारे लोरमी ब्लॉक में परियोजना अधिकारी द्वारा इस कार्यक्रम को रखा गया था, जिसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, यहां सभी महिलाएं उपस्थित हुए थे। और इस कार्यक्रम में हमारी आत्मानंद स्कूल से कुछ विद्यार्थी भी आए हुए थे, जिन्होंने इस एक कला के माध्यम से लोगों को, महिलाओं को जागरूक करने की कि किस प्रकार से महिलाओं के ऊपर पहले अत्याचार हुआ करते थे और किस प्रकार से आज हमारी जो नारी शक्ति है, महिलाएं हैं, वो किस प्रकार से जाग करके आज अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ रहे हैं, ऐसी प्रदर्शन हमारे आत्मानंद स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा प्रदर्शन किए गए। आज इस महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस में हमारी महिलाओं के जो शक्तिवान है, जो उनकी गुणवान है, जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहूँगी कि झांसी की रानी जी ने एक नारी होकर की तलवार उठा करके अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए आगे आई थी, उसी प्रकार आज हमारी जो नारी है, जो नारी सशक्तिकरण है, वे भी आज अपने अधिकार के लिए लाठी से लेकर के तलवार उठाने के लिए तैयार हैं। और आज सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं महिलाओं के लिए हैं, और महिलाओं को अलग अलग पीढ़ी में जोड़ करके उनकी अधिकार को, जैसे कि महिला कमांडो बनाकर या स्वसहायता समूह के माध्यम से जोड़कर उन्हें एक रोजगार दिया जा रहा है और महिलाओं को आगे आने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आज हमारी महिलाएं सशक्तिकरण के से जुड़ करके आगे आ गई हैं। वहीं महिला कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष महारानी सिंह ने कहा कि भूपेश के कांग्रेस सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला स्व सहायता समूह, महिला सशक्तिकरण, नारी सत्रुपा जैसे कई योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आगे करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे महिला आत्मनिर्भर होकर कार्य करने की बात कही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हमारे सभी, आपको अच्छे से मालूम है कि यहाँ जनपद में, जिला पंचायत में सभी हमारी नारी लोग बैठे हैं, वो महिला लोगों का सम्मान हुआ है। और आपको अच्छा से मालूम है कि हमारी सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, अक्सर इसी बात में चिंतित रहती है और चिंता करके उस योजनाओं का लाभ वहाँ तक पहुँचे, इसके लिए हम सब जनप्रतिनिधियों को कहा जाता है। अभी अभी पता लगा है कि जो विधवा महिला और परित्यक्ता महिला है, उनको सशक्ति यानी शक्ति स्वरूपा। साथ ही जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष एवं महिला कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष खुशबू आदित्य वैष्णव ने कहा कि देश में झांसी की रानी, इंदिरा गांधी जैसे महान महिलाओं ने अपना परचम लहराए थे, वैसे ही आत्मनिर्भर बनकर, निर्भय होकर कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है। इसके लिए सरकार भी महिलाओं को 50% बराबर के दर्जा दिए हैं। महिलाओं को बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे शासन जो योजनाएं दे रही है, जो नई नई योजनाएं हैं हमारी, जैसे अभी हमारी शासन योजना दी है शक्ति स्वरूपा योजना, तो इस योजना का भी हमारी महिलाएं फ़ायदा उठा सकती हैं, लाभ ले सकती हैं। और हमारी महिलाओं को बढ़ चढ़कर आगे बढ़ना चाहिए। महिला दिवस में मैं महिलाओं को बस यही कहना चाहूँगी कि संविधान तो हमें आज़ादी देता है, परंतु उस संविधान की आज़ादी का उपयोग करना, उसमें अपने अधिकारों को समझना,
हम महिलाओं के स्वयं के ही हाथ में हैं और इन अधिकारों को हमें समझने की आवश्यकता है ताकि हम अपने इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जनपद पंचायत अध्यक्ष मीना नरेश पाटले, नगर पंचायत अध्यक्ष अंकिता, रवि शुक्ला, लता रानी, संगीता पाठक जैसे क्षेत्र के प्रभावशील जन प्रतिनिधि, नारी शक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर, सीजी विजन टीवी।